अगर आपसे पूछा जाए कि देश में पहला आधार कार्ड किसका बना, तो क्या आप बिना गूगल किए उसका नाम बता पाएंगे? हो सकता है कुछ लोग बता दें, लेकिन ज्यादातर लोग इसका जवाब गूगल की सहायता बिना नहीं दे पाएंगे। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश में पहला आधार कार्ड किसका बना। दरअसल हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी आबादी करीब 140 करोड़ से ज्यादा की है। फिर ऐसे में देश के सभी लोगों की जानकारी इकट्ठा करना, साथ ही उन्हें सही समय पर सभी सुविधाएं पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड को जनहित के लिए लाया गया और सभी भारतीय नागरिकों का आधार कार्ड बनाया गया। वहीं पुणे की रंजना सोनावाने का सबसे पहले आधार कार्ड बना। वो देश की पहली नागरिक हैं जिन्हें आधार कार्ड मिला। इन्हें साल 2010 में आधार कार्ड दिया गया, जिसके बाद रंजना सुर्खियों में आ गई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि आम जिंदगी जीने वाली रंजना की लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। आपको बता दें कि रंजना सोनावाने एक आम महिला है जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती है। रोजाना काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। उनके पास न खाना पकाने को गैस है, न बिजली और न ही शौचालय। ऐसी खबरें समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक अनूठी पहचान है, वह आधार कार्ड पाने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। कांग्रेस सरकार ने आधार कार्ड परियोजना शुरू करने के लिए उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तेम्भाली गाँव का चयन किया था। 23 जून को इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीले कनी को तत्कालीन सरकार यूपीए ने परियोजना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। उन्हें UIDAI के अध्यक्ष की नवनिर्मित स्थिति दी गई थी, जो कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर थी। गौरतलब है कि उत्तर महाराष्ट्र में ग्राम तेम्भाली पुणे से लगभग 470 किलोमीटर दूर है, जो भारत के पहले आधार गाँव के रूप में प्रसिद्ध है। आधार कार्ड पाने वाली पहली भारतीय का कहना है कि यहाँ ना ही कोई बैंकिंग की सुविधा है और ना ही बीमा की। नेता आए और उन्होंने आधार कार्ड थमा दिया, साथ में फोटो भी खिंचाई थी और चले गए थे। उसके बाद इस गांव का हाल क्या है यह पूछने कोई नहीं आया। ना ही हमारे पास सब्सिडी है, ना ही बिजली। इस बेकार आधार कार्ड से हमारा गुजारा नहीं होता है। हालांकि पहले से कुछ चीजें इन सालों में थोड़ी बहुत जरूर बदली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्यन्यूज़।